थोड़ा आवाज नहीं आ रही। बोलने चीजें हमारे घरों में भी मौजूद होती है, हमारे अतराफ में भी मौजूद होती है, जैसे लकड़ी हो गई, फ्रिज हो गया, पंखा हो गया, मोबाइल, लैपटॉप, ये तमाम चीजें जो है तो ये गैर जानदार है। ये जानदार और गैर जानदार, ये दोनों चीजों का क्या हमारी जिंदगी में इसका असर होता है, इनकी जिंदगी में हमारी हमारी जिंदगी से इसका ताल्लुक है, जानदार और गैर जानदार चीजों का? बिल्कुल, हमारी चीजों, इन तमाम जानदार और गैर जानदार चीजों का हमारी जिंदगी से ताल्लुक है। आज हम जो सबक पढ़ने वाले हैं उसमें हम यही देखेंगे कि माहौल में जो जानदार और गैर जानदार चीजें हैं, जो जानदार और गैर जानदार चीजें हैं इसका हमारी जिंदगी में, जानदार और गैर जानदार चीजों का हमारी जिंदगी से जो ताल्लुक है, हम उसको माहौल का मुतालिया इस सबक के इस मजमून में हम पढ़ते हैं। और इसका एक जो उनवान है इस सबक का जो हम पढ़ने वाले हैं उसका उनवान है माहौल का तवाज़ुन। इस सबक को समझने के लिए हम जो है तो कुछ पीपीटी का सहारा लेते हैं, उसको स्क्रीन में आपकी आपको शेयर करता हूँ, वो देखेंगे और उसकी मदद से हम इस सबक को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं माहौल का तवाज़ुन। सबसे पहले हम उन्वान पर जाते हैं कि माहौल का तवाज़ुन माहौल मतलब क्या, यहाँ पर आप देख रहे हैं उन्वान में क्या, यहाँ पर आप देख रहे हैं माहौल का मतलब होता है कि हमारे अतराफ में पाई जाने वाली तमाम चीजें जिनका हमारी जिंदगी में असर हो, जिंदगी में ताल्लुक है, उन तमाम चीजों से मिलकर बनता है माहौल। तवाज़ुन, तवाज़ुन का मतलब होता है हम वजन होना, या हम उसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि उसका हमारी जिंदगी में जरूरत के मुताबिक वो चीज हो। तो हम माहौल के तवाज़ुन में ये चीज देखने की कोशिश करेंगे। अब इस सबक के अंदर माहौल का तवाज़ुन, हम सबसे पहली जो टॉपिक देखेंगे कि माहौल का मुशाहिदा, ये इसके अंदर कवर करने की कोशिश करते हैं माहौल के मुशाहिदे में। तो माहौल के मुशाहिदे में हम सबसे पहले जो देखने वाले हैं माहौल के मुशाहिदे में कि माहौल का मुशाहिदा क्यों किया जाता है, माहौल का मुशाहिदा करने की वजह क्या है, किस तरीके से इसका मुशाहिदा किया जाता है, मुशाहिदा करने के बाद इसके क्या नतीजे निकलते हैं, हम इसके अंदर इस टॉपिक में हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है माहौल हमारे अतराफ जो चीजें पाई जाती है उसका हमारी जिंदगी में क्या असर है, माहौल बनता कैसे है, ये हम इस सबक के अंदर देखेंगे। तीसरी चीज जो हम देखेंगे ग़िज़ाई ज़ंजीर, जैसे कि नाम के अंदर खुद ही यहाँ पर पोशीदा है ग़िज़ाई ज़ंजीर,
यानी इसका मतलब कि गिजा की कोई जंजीर हो, है ना, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे गिजाई जंजीर को। उसके बाद जो चौथा हमारा पॉइंट है वो है माहौल का तवाज़ुन। माहौल के अंदर किस तरीके से तवाज़ुन बरकरार रहता है वो भी हम इस सबक के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। माहौल के बहुत सारे चक्कर हैं, उसमें गजाई चक्कर हो गया, आबी चक्कर हो गया, गैसों का चक्कर हो गया, ये तमाम चीजें हम इसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम आते हैं पहले हमारा जो पॉइंट है माहौल के मुशाहिदे की तरफ, है ना। आप अपने घर के बड़ों के साथ नदी की घर के करीब जो तालाब है उसकी सैर के लिए आप गए होंगे, है ना। वहां जाने के बाद आपने सारे जानदार देखे होंगे, उन जानदारों का मुशाहिदा किया होगा, है ना। यहाँ पर जो तस्वीर दी गई है उसका आप मुशाहिदा कीजिए और इस तस्वीर में नजर आने वाले जो भी जानदार हैं आप उनका नाम बताइए। गौर से इस तस्वीर को देखेंगे। इस तस्वीर में हमें परिंदे नजर आ रहे हैं, तितलियां नजर आ रही है, वहां पर एक ऊपर दरख्त के पास कुत्ता बैठा हुआ है, पानी में हम मछली देख रहे हैं, वहां पर करीब ही मेंढक है, गाय देख रहे हैं, बकरी देख रहे हैं, ये तमाम हमें जो है तो इस तस्वीर के अंदर नजर आ रहा है। इसी तरीके से आप घर या स्कूल के आसपास कोई बाग या गार्डन होगा, गार्डन होगा, आप गार्डन में गए होंगे, आप उस गार्डन में गए होंगे। गार्डन में जाने के बाद आपने वहां भी बहुत सारे जानदार देखे होंगे, है ना। गार्डन में हम कौन कौन से जानदार देखते हैं, हम वहां पर तितली देखते हैं, परिंदे देखते हैं, ये चीजें हम वहां पर देखते हैं। हाँ। हाँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा जो सवाल है जो दोनों जगह पर, नदी पर हम गए थे वहां पर, इसी तरीके से हम गार्डन में गए थे, बाग में गए थे, वहां पर जो जानदार आकर चले गए, हमने उसका अंदाजा किस तरीके से लगाया, क्या चीजें नजर आई जिसको हम देख के कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जानदार थे वो ये आकर जा चुके। हमारा सबसे पहले जो ध्यान जाता है वो जाता है उनके पैरों की तरफ, पैरों का जो निशान होता है जमीन में उसकी तरफ जाता है, उससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये जानदार आकर जा चुका है। उसके बाद हम देखते हैं उनकी मेंगियां, उनका फुजला, उसके मदद से हम अंदाज लगा सकते हैं। इसी तरीके से परिंदों के जो पंख हैं उनकी मदद से हम अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन से जानदार आकर जा चुके हैं। तीसरी चीज जो हम देखते हैं और वहां पर कि जिस तरीके से जो घास फूस खाया गया है, फल खाया गया है, उसकी मदद से हम अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन से जानदार आके गए। उसके बाद हम तीसरा देखेंगे, क्या आप खुदबीनी जानदार का मुशाहिदा कर पाए। आप जब नदी के पास गए थे और गार्डन में गए थे तो क्या आपने वहाँ पर खुदबीनी जानदार को देखा? नहीं, बिल्कुल सही, हम उसको नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि ये खुर्दबीनी जानदार को देखने के लिए खुर्दबीन की जरूरत होती है, इसीलिए हम उसे नहीं देख पाए। अब जो मेरा आखिरी सवाल है ये, क्या दोनों जगह नदी पर और बाग में पाए जाने वाले जानदार मुख्तलिफ थे या वही थे? तो दोनों जगह पर हम जब देखेंगे तो दोनों जगह पर पाए जाने वाले जो जानदार थे वो मुख्तलिफ थे, है ना। तो इसी को जो दोनों जगह पर किसी एक इलाके में पाए जाने वाले जो जानदार हैं वो अलग अलग जगह पर मुख्तलिफ होते हैं तो उससे हम उस इलाके का हयाती तनव्वो कहते हैं। हयाती तनव्वो किसे कहते हैं? कि किसी इलाके में पाए जाने वाले जानदारों में जो फर्क होता है उसे वहां का हयाती तनव्वो कहते हैं। अब यहाँ पर हयाती तनव्वो समझना, हयात का मतलब होता है जिंदगी और तनव्वो का मतलब होता है फर्क। तो किसी भी इलाके में अलग अलग जगह पर जो फर्क होता है उसे जानदारों में जो फर्क होता है तो उसे हम कहते हैं हयाती तनव्वो। अब हयाती तनव्वो किसी इलाके का मालूम करने के लिए साइंसदान, बहुत सारे साइंसदान एक साथ उस इलाके का मुशाहिदा करते हैं, मुतालिया करते हैं, उसके बाद जो है तो उसको
वो बहुत ऊंचाई पर रहने वाले जानदार, गहराई में रहने वाले जानदार, ना नजर आने वाले जानदार, इनका मुशाहिदा करने के लिए वो मखसूस आलात का इस्तेमाल करते हैं, अपने मुशाहिदात को वो लिखते हैं, लिखने के बाद इन तमाम जो मुशाहिदात को यकजा किया जाता है, यकजा करने के बाद दोबारा उसके ऊपर गौर किया जाता है, दोबारा उसको देखा जाता है, उसके बाद कहीं जाकर के साइंसदानों को किसी इलाके के हयाती तनवों के बारे में यकीन होता है। हम सिर्फ एक दिन नदी पर गए, दूसरे दिन गार्डन में गए, उसके बाद आकर हम वहां का हयाती तनवो बयान कर दे, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये हयाती तनवो मालूम करने का, उसका मुतालिया करने का जो काम है ये कई बरसों तक जारी रहता है। जब कहीं जा करके किसी इलाके का, किसी इलाके के हयाती तनवो के बारे में साइंसदान यकीन के साथ कहते हैं कि इस इलाके के हयाती तनवो के बारे में ये चीज। अब हम आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, माहौल। आपने गर्द पेश इस लफ्ज को सुना हो, गर्द पेश मतलब खतरा। उसको और समझने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक इमेज देखते हैं। हम देखेंगे ये एक स्कूल की तस्वीर है, आपको यहाँ पर स्कूल का गर्द पेश, स्कूल का अतराफ देखेंगे कैसा नजर आ रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है ना। इसके बिल्कुल अपोजिट हम बाजार का गर्द पेश देखते हैं, बाजार का गर्द पेश आपको कैसा नजर आ रहा है, बाजार का गर्द पेश हम देखेंगे तो वो थोड़ा गंदा नजर आ रहा है, आसपास गंदगी फैली हुई है। तो किसी इलाके की माहौल के अंदर जो भी जानदार या गैर जानदार चीजें होती है उनका आपस में ताल्लुक होता है, बाहमी रब्त होता है, जानदार जानदार का, जानदार और गैर जानदार का एक दूसरे में लेन देन होता है, बाहमी रब्त होता है। इसी बाहमी रब्त को, इसी ताल्लुक को हम माहौलियात में पढ़ते हैं। माहौलियात में हम देखते हैं कि जानदार और गैर जानदार इसके अंदर कैसे ताल्लुक है, कैसे एक दूसरे के काम आते हैं, जानदार जानदार के कैसे काम आता है, हम ये देखते हैं। अब हम देखेंगे कि माहौल के अंदर जो है तो सूरज की रोशनी, मिट्टी, पानी, नबातात, जानवर, ऐसे कई अज्जा का हमारी जिंदगी में ताल्लुक होता है। जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली तमाम गर्द पेश की अशिया से मिलकर माहौल बनता है। हमने अभी देखा कि जिंदगी में जितनी भी हमारी जिंदगी से जो जो चीजें ताल्लुक रखती है उन तमाम चीजों का, उन तमाम चीजों से मिलकर के माहौल बनता है। और इस माहौल में जानदार चीजें भी हैं, गैर जानदार चीजें भी हैं, ये इनका आपस में लेन देन होता है, रब बाहमी रब तो होता है, इसी रब को हम माहौलियात में पढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं ग़िज़ाई ज़ंजीर, जैसा कि हेडिंग के अंदर ही दिया हुआ है, ग़िज़ाई ज़ंजीर, कोई ज़ंजीर होगी। चलिए इस ज़ंजीर को, इस ग़िज़ा की ज़ंजीर को समझने के लिए हम एक तस्वीर का सहारा लेते हैं। आप इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, यहाँ देखेंगे आप इस तस्वीर में नागतोड़ा जो है वो घास और पत्ते को खाता है, नागतोड़े की ग़िज़ा घास और पत्ते हैं। अब उसी नागतोड़े को जो घास और पत्तों को खाता है उसकी जो, उसको कौन खाता है, उस नागतोड़े को परिंदा खाता है। तो यहाँ पर देखो एक चैन है, जैसे यहाँ पर एक तस्वीर आपके सामने चैन की नजर आती है, ये चैन है, ये आपस एक कड़ी के जरिए आगे पीछे से कड़ियों के जरिए से जुड़ी होती है। हालांकि कड़ी ये खुद एक मुकम्मल जुज़्व है, लेकिन जब ये कड़ी आगे पीछे से दूसरी कड़ियों से जुड़ती है तो ये जंजीर बन जाती है। अगर बीच में से कोई कड़ी टूट जाए तो जंजीर कायम नहीं रहती, और या अगर सारी कड़ियां अलग अलग हो जाए तो जंजीर अपना वजूद ही खो देगी। तो जिस तरीके से ये जंजीर आपस में आगे पीछे से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसी तरीके से हम ऊपर की तस्वीर में देखेंगे ग़िज़ाई जंजीर में कि किस तरीके से घास, नागतोड़ा और परिंदा ये आगे पीछे से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ये इसमें से कोई एक चीज कम होती है तो ये जंजीर बाकी नहीं रहेगी। इसी ग़िज़ाई जंजीर को और समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और एक देखने तस्वीर के जरिए से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस तस्वीर में देखेंगे आपको एक हिरन नजर आ रही है,
ना तस्वीर को गौर से देखेंगे, हिरन आपको नबातात के पत्ते खाते हुए नजर आ रही है, तो हिरन की गजा क्या हुई? नबातात के पत्ते या घास फूस, ये हिरन की गजा होगी। और हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं हम, तो हमें शेर नजर आ रहा है। शेर की गजा क्या है? शेर की गजा, शेर ये जो है तो गोश्त और जानदार है, शेर की जो गजा है वो गोश्त है। शेर गोश्त और जानदार है, इसका मतलब शेर हिरन खरगोश या दूसरे जो भी जंगली जानवर है उनका शिकार करके वो खाता होगा। तो यहाँ पर एक गजाई जंजीर और हमको समझ में आ रही है, यहाँ पर एक गजाई जंजीर जो है तो हमको और एक समझ में आ रही है कि शेर हिरन जो है तो वो घास पत्ते खाती है और हिरन को जो है वो शेर खाता है। अब आगे और देखते हैं हम, इस तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए, इसमें भी आपको एक गजाई जंजीर नजर आ रही होगी। इस गजाई जंजीर में आप देखेंगे कि यहाँ पर खरगोश ये जो तो घास फूस खाता है। खरगोश को कौन खाता है? खरगोश को सांप खाता है ना, इस तरीके से। हाँ, घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को सांप खाएगा, ये भी एक गजाई जंजीर है। तो हमने यहाँ पर बहुत सारी गजाई जंजीरें देखी है। अब मैं आपके सामने एक गजाई जंजीर बता रहा हूँ, इसकी दरमियान की कड़ी जो है वो नहीं दी हुई, आपको खुद गौर करना है और बताना है कि इसके दरमियान की कड़ी क्या हो। घास दी हुई है और उल्लू दिया हुआ है। अब मुझे बताएंगे कि घास और उल्लू इनके बीच में कौन सी चीज आएगी या इनको कौन खाता हो? घास को कौन खाता है? घास को नाकतोड़ा खाता है, और नाकतोड़े को जो है तो उल्लू खा सकता है। या हम यहाँ पे घास को देखेंगे, यहाँ पर हम नाकतोड़ा नाकतोड़े को उल्लू खा रहा है। गिलहरी भी जो है तो वो सबसे बहुत शानदार है, वो भी जो है तो खाती है नबाता, उसको उल्लू खा सकता है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ सकती है। यहाँ पर एक चीज और जो हमें समझ में आई कि गजाई जंजीर का कोई एक जुज, कोई एक जानदार वो बहुत सारी गजाई जंजीरों का हिस्सा हो सकता है ना। जैल की जो ऊपर की तस्वीर है हम उसमें देख रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पर जो सवालिया निशान है, हम बहुत सारे जानदार का नाम वहां पर ले सकते हैं। इसी को समझने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर गजाई जाल का तस्वीर का आप बहुत मुशाहिदा करेंगे, तो इस मुशाहिदे में आपको ये बात समझ में आएगी कि एक जुज जो है, एक जानदार जो है वो बहुत सारी गजाई जंजीरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखेंगे तो तीर के निशान के जरिए से उसको बताया गया है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं घास, घास को नाकतोड़ा खाता है, नाकतोड़े को चिड़िया भी खा सकती है, नाकतोड़े को चूहा भी खा सकता है, चिड़िया को चील या उल्लू खा सकता है, चूहे को जो है तो चील वगैरह ये खा सकती है। उसके बाद हम देखते हैं घास को हिरन खा रही है, हिरन को जो है तो फिर यहाँ पर भेड़िया वो खा सकता है, खा सकता है। और एक गजाई जंजीर हम देखते हैं कि यहाँ पर खरगोश, खरगोश घास खाएगा, खरगोश शेर खाएगा, घास घास को नाकतोड़ा खाएगा, नाकतोड़े को मेंढक खा सकता है, मेंढक को वो सांप खाएगा। इस तरीके से यहाँ हम गौर करेंगे तो एक ही जुज बहुत सारे गजाई जंजीरों में पाया जाता है, और इसी तरीके से मुख्तलिफ जो गजाई जंजीरें हैं वो जो मिलकर बनती हुई है उनके बने हुए जाल को गजाई जाल कहते हैं। इस गजाई जाल को समझने के बाद हमें जो एक चीज गौर करनी है वो ये कि आप देखेंगे इन तमाम चीजों में, इन तमाम गजाई जाल में शुरुआत कहाँ से हो रही है। आप देखेंगे इन तमाम गजाई जाल की शुरुआत जो है वो नबातात से हो रही है। तमाम आप गजाई जालों को गौर से देखेंगे तो इसकी इन तमाम की शुरुआत आपको नबातात से होती हुई ही नजर आएगी। तो इसके देखने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि जो गजाई जंजीर में बुनियाद है वो नबातात,
बुनियादी गजा तमाम जानदारों की वो नबातात है। तो हर जानदार को जरूरी गजा माहौल से हासिल होती है। माहौल से हैवानात सिर्फ नबातात से गजा हासिल करते हैं। नबात अब यहाँ सवाल ये है कि ये तमाम जितने भी हैवानात है इनको तो गजा मिल जा रही। अब चूंकि नबातात ये भी जानदार है कि नबातात इनको गजा कहाँ से हासिल होती है, ये जानदार है, इनकी भी नशोनुमा होती है, ये भी छोटे से बड़े होते हैं, आखिर इनको गजा मिलती कहाँ से, ये कहाँ से गजा हासिल करते हैं। तो ये गजा जो है ये जमीन से हासिल करते हैं। यहाँ हम देखेंगे ये सूरज की रोशनी में और जमीन से पानी और सेहत बख्श जो मादे हैं वो जज्ब करके हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के नबातात अपनी गजा खुद तैयार करते हैं। सिर्फ नबातात ही माहौल के अंदर वाहिद ऐसे जानदार है जो गजा के मामले में खुद कफील है। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है बल्कि ये अपनी गजा खुद तैयार करते हैं। इस तरीके से गजाई जंजीर के अंदर नबातात ये असास हैं, ये बुनियाद है। अगर नबातात होंगे तो ही तमाम गजाई जंजीर ये अच्छी तरीके से चलती रहेगी, कायम रहेगी। इसीलिए हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम नबातात की, पेड़ पौधों की इनकी हिफाजत करें, इनको ना काटें। अब आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं माहौल का तवाज़ुन कि माहौल के अंदर तवाज़ुन किस तरीके से कायम रह सकता है। हमारे माहौल में बहुत सारी गजाई जंजीरें हैं। इस गजाई जंजीर की वजह से माहौल में रहने वाले तमाम जानदारों को गजा मिलती रहती है और वो जिंदा रहते हैं। नबातात से हासिल होने वाली घास फूस इनके और हैवानात के मुर्दा उजला जैसी तमाम गजाई अशिया का तजिया होता है और वो खाद में तब्दील होती है और उन्हें खाद में तब्दील करने का काम खुर्दबीनी जानदार करते हैं ना। इस तरीके से खाद का इस्तेमाल करके नबातात नशोनुमा पाते हैं, वो बढ़ते हैं। जमीन में पाए जाने वाली अशिया का इस्तेमाल करके जो सेहत बख्श जो मादे हैं, गजाइयत बख्श जो मादे हैं उसको जो है वो जज्ब करके उनका इस्तेमाल करके नबातात नशोनुमा पाते हैं। हैवानात और नबातात के बकाया सड़ कर गजाई मादों में दोबारा जमीन के अंदर जो जज्ब हो जाते हैं। ये माहौल के तवाज़ुन का एक बहुत अहम चक्कर है। नबातात को हैवानात और दूसरे जानदार खाते हैं, खाने के बाद जब वो मरते हैं ना, मरने के बाद उनका जो है गजाई जीरा होता है, खाद तैयार होती है, उसी खाद की मदद से नबातात जो है वो नशोनुमा पाते हैं। इससे माहौल के अंदर और जो चक्कर है, माहौल के अंदर और जो चक्कर है आदि चक्कर में, इस आदि चक्कर को समझने के लिए हम इस आदि चक्कर को समझने के लिए वीडियो का सहारा लेते हैं। यहाँ पर एक वीडियो का सहारा लेते हैं। वीडियो की आवाज आ रही है क्या सबको? वीडियो की आवाज आ रही है क्या सबको? हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है। कौन का बोला? आ रही है सर। डबल आवाज आ रही है, डबल आवाज आ रही है। हाँ सर, डबल आवाज आ रही है हमें। सर झन कोरा आपकी आवाज। यस
जारी जारी मेरे वीडियो की आवाज नहीं जा रही है। सर वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। वीडियो की आवाज नहीं जा रही है। वीडियो को हम फिर से प्ले करते हैं। वीडियो की आवाज नहीं जा रही है। वीडियो को हम फिर से प्ले करते हैं। अभी चक्कर होता किस तरीके से? यहाँ पर सूरज की रोशनी में सूरज की रोशनी जो भी पानी पर पड़ती है तो पानी गर्म होना शुरू होता है। यहाँ आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर सूरज की रोशनी पानी पर पड़ रही है और पानी यहाँ पर गर्म होना शुरू हो गया। गर्म होने के बाद ये पानी आबी बुखारात की शक्ल में भाप बनकर, जिसको हम आम जबान में भाप कहते हैं, आबी बुखारात की शक्ल में ये सतह से ऊपर उठता है, ऊपर जाता है। तो पानी का आबी बुखारात में तब्दील होना इस अमल को कहते हैं अमल तबखीर। अमल तबखीर किसे कहते हैं? अमल तबखीर किसे कहते हैं? मुस्लिम साहिल पढ़ रहे हैं। ये बुखारात जब ऊपर जाते हैं तो वहां पर उन्हें वो सर्द होते हैं और आपस सर्द होने के अमल को कहते हैं आबी बुखारात का माय में तब्दील होने का अमल अमल तकसीफ कहलाता है। वो सर्द होते हैं, सर्द होने के बाद वो हवा में तैरते रहते हैं, हवा में मुअल्लक रहते हैं। जैसे जैसे उनके दर्जे हरारत उनका कम होते जाता है वो ऊपर उठते जाते हैं, ऊपर उठ के आपस में टकराते हैं, आपस में मिलते हैं। आपस में मिलने की वजह से उनका वजन ये बढ़ जाता है। अब जब वजन बढ़ जाएगा तो ये जो आबी बुखारात हैं ये पानी के कतरों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब वजन बढ़ने की वजह से अब वो हवा में मुअल्लक नहीं रह पाते बल्कि जमीन की जानिब गिरते हैं, जमीन की जानिब आते हैं। इस तरीके से जिस जब जमीन की जानिब आते हैं बारिश होती है, जिसे हम बारिश का अमल भी कहते हैं। ना देखेंगे यहाँ वीडियो में किस तरीके से बूंदे गिर रही है, ये बारिश का अमल से कहते हैं। तो अमल तबखीर, अमल तकसीफ और बारिश का अमल, ये तीनों मिलकर के ये आबी चक्कर बनता है। आबी चक्कर के लिए अमल होता है, एक तो अमल तबखीर, दूसरा अमल तकसीफ और तीसरा बारिश का अमल। ये तमाम जब होते हैं तो इस तरीके से बारिश होती है। उसके बाद एक और जो अहम है चक्कर वो है फिजा में गैसों का चक्कर। फिजा के अंदर गैसों का चक्कर किस तरीके से होता है? फिजा में जो गैसों का चक्कर होता है, जानदारों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं पुर्रे हवा में। इसी तरीके से नबातात को जिंदा रहने के लिए उन्हें भी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होती है। वो सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल कर करके अपनी गिजा तैयार करते हैं और इस अमल के दौरान वो ऑक्सीजन गैस को कुर्रे हवा में खारिज करते हैं। इस तरीके से गैसों का जो चक्कर है वो हमारे माहौल के अंदर वो बरकरार रहता है। बहुत सारे इसी तरीके से माहौल के अंदर बहुत सारे ऐसे चक्कर पाए जाते हैं, जानदार और जानदार गैर जानदार का आपस में लेन देन होता रहता है। इसी लेन देन की वजह से जो गजाई चक्कर है उसके अंदर कोई रुकावट नहीं आती। माहौल में तमाम चक्कर इसी तरह जारी रहे तो माहौल का तवाजुन बरकरार रहता है। हमें एक बात जो जहन नशीन करनी है कि तमाम जानदारों की बका के लिए माहौल के तवाजुन का कायम रहना बेहद जरूरी है। ये जो माहौल का तवाजुन है इसको अल्लाह तबारक ताला ने बनाया है। अगर हम इससे छेड़छाड़ करेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जानदारों का ही नुकसान है। तो हमको माहौल के अंदर छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से ये चक्कर चल रहा है वो चलता रहेगा तो हमें गजा मिलती रहेगी और जानदार जो है तो वो हमारी जिंदगी बाकी रहेगी। अब देखते हैं हमने इस सबक में क्या देखा।
इस सबक में हमने देखा, क्या सीखा हमने इस सबक में, कि जमीन पर अनगिनत किस्म के जानदार पाए जाते हैं, है ना, जिसको हम गिन नहीं सकते। आए दिन हम टेलीविजन पर और अखबारों में नए नए जानदारों के बारे में देखते हैं, उनके नाम हम जानते भी नहीं है। और ये खोज ये कई सालों से चली आ रही है और आगे भी इसी तरीके से चलती रहेगी। अभी तक के साइंसदान सही तरीके से इस बात का अंदाज नहीं कर सके कि दुनिया में कितने किस्म के जानदार पाए जाते हैं। दूसरा, हमने देखा कि माहौल में पाए जाने वाले जानदारों और गैर जानदारों का आपस में ताल्लुक होता है, इनके ताल्लुक की वजह से ही माहौल बनता है। उसके बाद तीसरी चीज जो हमने इसमें सीखी है कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हैवानात, नबातात और खुद खुर्दबीनी जानदार पाए जाते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हैवानात, मुख्तलिफ नबातात और खुर्दबीनी जानदार पाए जाते हैं। उसके बाद जो चौथी चीज हम देखेंगे, माहौल में पाया जाने वाला जो आबी चक्कर है और फिजा में पाया जाने वाला विश्व का चक्कर, गजाई जंजीर की वजह से माहौल का तवाजुन कायम रहता है। यहाँ पर हमारा ये सबक खत्म होता है। अगर किसी को, कोई बच्चे को कोई सवाल पूछना है, कोई चीज नहीं समझ में आई है, तो वो पूछ सकता है। चलिए मैं कुछ सवाल आपसे करता हूं। हम यहां पर देखेंगे, पहला सवाल, किसी इलाके में पाए जाने वाले जानदारों के फर्क को क्या कहते हैं, कोई बताएगा? तो किसी भी इलाके में पाए जाने वाले जानदारों के फर्क को हयाती तनव्वो कहते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है, जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले जंजीरों की वजह से, पहला सवाल था कि किसी इलाके में पाए जाने वाले जानदारों के फर्कों को क्या कहते हैं, तो किसी भी इलाके में पाए जाने वाले जानदारों के फर्कों को हयाती तनव्वो कहते हैं। जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले गर्द पेश की तमाम अशिया से मिलकर क्या बनता है, जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली गर्द पेश की तमाम अशिया से मिलकर माहौल बनता है। तीसरा सवाल, गजाई जंजीर की वजह से जानदारों को क्या मिलती है, हवा, कौन बताएगा? गिजा। गिजाई जंजीर की वजह से जानदारों को गिजा मिलती है। चौथा, बहुत सारी गजाई जंजीर देखी, अब यहाँ पे गजाई जंजीर में कौन सा जूज मिस है, कौन सा नहीं है, आपको वो बताना है। मेंढक नाकतोड़ा खाता है तो मेंढक को कौन खाता है? वेरी गुड, मेंढक को सांप खाता है। गजाई जंजीर की बुनियादी गिजा क्या है? की बुनियादी गिजा जो है वो नबातात है। यहाँ पर हमारा सबक खत्म होता है। यहाँ पर आपको जो घर काम के लिए किताब के अंदर जो मश्क दी हुई है, उसको अपनी कॉपी में और किताब की मदद से उस मश्क के सवालों के जवाब लिखना है और व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है ताकि उसको चेक किया जा सके। शुक्रिया। हाँ मुसिन।